इस वीडियो को पहले आप ध्यान से सुनिए, मतलब कि खो जाइए इस वीडियो में। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत। रुकिए रुकिए रुकिए, मतलब कि बता दूं कि वही केजरीवाल है जो कि जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तो रोज कसमें खाता था, कभी अपने बच्चों का कसम, कभी अपनी मम्मी का कसम, कभी कहता था कि मैं जब मतलब कि इस वीडियो में सरेआम कह भी रहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मुझे मतलब 2-4 कमरों से ज्यादा के घर की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे मतलब कि क्या होगा, मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए ना मुझे लाल बत्ती भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बना इसने यू टर्न मारना, लाल बत्ती भी लिया, सारे सुरक्षा भी लिया, अब तो हद ही हो गया। इसने मतलब कि कोई घर बनवाता है तो 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अगर होगा नया घर बन तो ठीक है, लेकिन भैया घर के मरम्मती में 45 करोड़ कौन लगवा लेता है, मतलब हद है भैया इसका। वहीं जब इसके नेता लोगों से पत्रकारों ने पूछा इस बात को लेकर, तो इसके नेता भी इससे कम नहीं है, इसके प्रवक्ता MLA जो भी हैं, उन लोगों का कहना है कि अरे जी मोदी जी तो 500 करोड़ के घर में रहते हैं, एक मोदी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इनसे लोग पूछ रहे हैं कि भैया घर के मरम्मती में अपने 45 करोड़ लगा दिया, क्यों लगाया, तो डायरेक्ट मोदी से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया मोदी जी जब 500 करोड़ के महल में रह सकते हैं तो हम 45 करोड़ भी ना अपने घर में लगवाएं। मतलब कि जिस सरकारी आवास में रहते हैं उसमें इन्होंने 45 करोड़ उसके रिनोवेशन में लगा दिया है। और बता दूं ये 45 करोड़ लगे किस में है वो भी मैं बता दूं, 1 करोड़ का पर्दा लगा है। आपके घर में पता ना, बहुत लोग घर में पर्दे नहीं भी होते हैं, कुछ लोग साड़ी गांव में देहात में हमने देखा हुआ साड़ी या लुंगी के काट के पर्दा लगा लेता है। कुछ लोग तो गांव में ऐसे भी होते जो बोरा होता है ना, चट्टी का बोरा जिसमें मतलब गेहूं वगैरह आता है, उसको भी काट के पर्दा लगा लेते हैं। लेकिन ये भाई साहब ने 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, मतलब हद है भाई बकैती का। अब रुकिए रुकिए रुकिए, अभी एक और चीज, इन्होंने 40 लाख का अलमीरा खरीदा है। अब भैया ले क्यों ना, 2 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद इनके जो मंत्री साहब है मंत्री एलो अभी दारू के घोटाले में पकड़े गए हैं, आप जानते हैं दारू में कितना पैसा आता है, सारे पैसे कहाँ जाएंगे, रखे जाएंगे। 40 लाख का मतलब इतने सारे पैसे रखने के लिए चाहिए ना, मतलब वैसा हाई सिक्योरिटी वाला, हाई लेवल वाला, मजबूत महंगा अलमीरा, तो 40 लाख तो इन्होंने अलमीरा पे खर्चा कर दिया। अभी और अभी रुकिए रुकिए जाइए, मतलब और अभी सुना रहा हूँ आपको। और इन्होंने एक आलीशान मतलब क्या आपने समझा, आलीशान बाथरूम बनवाया है और उस बाथरूम में लगभग 20 लाख रुपए इन्होंने खर्चा करवा दिया। अब बाथरूम का देखिए पिक्चर, देखिए नीचे देखिए, आलीशान बाथरूम इन्होंने बनाया है, राजा महाराजा जिसपे कभी अकबर औरंगजेब ये लोग जिस हिसाब से बैठते थे उसी हिसाब से इन्होंने मतलब कि वाली मुगलीय संतलंत का जो फीलिंग होता है ना वैसा लेने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए खर्चा कर दिए। वहीं 4-5 करोड़ उन्होंने दीवार के रंगों रोगों में भी खर्चा किया है, बाहर से आए भैया इटली से सामान मंगवाया इन्होंने, मतलब ये तो स्थिति है इनका। मतलब कि बता दूं कि इनका जो कैबिनेट मीटिंग होता है ना वो भी दिल्ली में नहीं होता है, डायरेक्ट होता है तिहाड़ में। अब तिहाड़ में क्यों होता है, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा जो मंत्री जिनके पास मंत्रालय है वो तो सारे अभी तिहाड़ में आराम कर रहे हैं, और इनके विधायक तो यूं जेल में जाते हैं आते हैं, मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं। और एक और चीज बता दूं, इनके जो 2 नंबर के मतलब केजरीवाल के बाद में जिसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है मतलब कि आम आदमी पार्टी में, सिसोदिया, वे अभी जेल में बंद है, ईडी पकड़ के ले गई है शराब मामले में, उनके पास बहुत सारे मतलब मंत्रालय भी थे, कानून मंत्री भी जेल में गए हैं, जेल में ही बैठे हुए हैं। उनका तो एक बहुत तगड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जबरदस्त तरीके से मसाज करवा रहे हैं, मतलब VIP ट्रीटमेंट मिलता है इन लोगों को, उससे भी ज्यादा 7 स्टार। तो ये तो स्थिति है, अब क्या ही कहें। इनका वीडियो मतलब अगर आपको मजा लेना है तो केजरीवाल फनी वीडियो सर्च मारिए यूट्यूब पे, एक से एक बढ़िया वीडियो आएगा उसमें। आप राजपाल यादव को भी भूल जाइएगा, उससे भी बढ़िया कॉमेडी इसमें मिलता है।